नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैमिली सीक्रेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे साउथ के सुपरस्टार रॉकी भाई के बारे में। यश ने पिछले कई सालों से लगातार सुपरहिट फिल्म देकर भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में एक अलग तरह की पहचान बनाई हुई है। आज की डेट में साउथ में KGF 2 जैसी फिल्म देकर बड़े बड़े फिल्म दंगल, बाहुबली जैसी फिल्मों के कमाई के मामले में काफी हद तक KGF 2 टक्कर दे सकती है। KGF चैप्टर 2 मूवी हिट होने के बाद फिल्म निर्माता किर्गदूर ने चैप्टर 3 पार्ट बनाने के बारे में ट्विटर द्वारा फैंस को सीधा संकेत दे दिया है। चैप्टर 3 मूवी का सारा शूट अमेरिका, इंडोनेशिया समेत और 16 देशों में क्राइम की कहानी दिखाई जाएगी। KGF चैप्टर 2 देखने के बाद लोगों द्वारा KGF 3 को लेकर काफी उत्सुक है और लोग बड़े ही बेसब्री से इस मूवी का आने का इंतजार कर रहे हैं। और इस फिल्म में यश, संजय दत्त, रवीना, श्रीनिधि शेट्टी मुख्य भूमिका में आने वाले हैं। एक इंटरव्यू के दौरान KGF के निर्माता विजय विर्गदुर्ग ने साफ साफ कहा है कि फिल्म KGF 2 से बड़ा और बेहतर तरीके से फिल्म को बनाने का कोशिश करूंगा और इस फिल्म में संजय दत्त का अधीरा वाला रोल काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है और इस रोल को फैंस द्वारा काफी ज्यादा प्यार भी मिल रहा है। इस फिल्म में अधीरा के रोल के लिए लगभग 9 करोड़ से भी ज्यादा फीस ले सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि KGF 3 मूवी अगर आता है तो फिल्मों के सारी कमाई को तोड़ सकता है, क्योंकि बात रॉकी भाई की है। KGF चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में रॉकी भाई का जो क्रेज लोगों में दिखा है, कहीं ना कहीं KGF 3 में उससे भी ज्यादा क्रेज दिख सकता है। अब आप यह ना सोचे कि KGF 2 में रॉकी भाई तो मर गया है, अगर रॉकी भाई मर गया तो KGF 3 किस काम का। अरे भाई, जब रॉकी भाई अधीरा को मारने के लिए पानी के अंदर अपने सांस को रोक के काफी देर तक रख सकता है तो फिर KGF 2 में रॉकी भाई कैसे मर सकता है। बाकी तो KGF 3 आने के बाद ही पता चलेगा कि मूवी में कब क्या होने वाला है। हम सभी को KGF 3 मूवी का आने का बेसब्री से इंतजार रहेगा। बाकी इसी प्रकार से मूवी का अपडेट मैं आप सभी को देता रहूंगा। इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक कमेंट करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।